खोजने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ पिछले 45 दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी। आज झांसी में पुलिस से मुठभेड़ में वह मारे गए हैं, यह सूचना मुझे मिली है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं, और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा, और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। कितनी बड़ी कार्रवाई है इसमें? ये बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है, बहुत बड़ा संदेश है, और अपराध करने वालों को ये है कि अब अपराध करने वालों की राजनीति का युग समाप्त हो गया है, इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आवे। और जो अपराधी आज भी भागे भागे फिर रहे, अभी भी पुलिस के सामने, वो आत्मसमर्पण कर दे, न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दे। नहीं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पुलिस के जवान बलि चढ़ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने पुलिस के दो जवानों को, उमेश पाल जी की सुरक्षा में जो लगे थे उनको खो चुके हैं, और उनको खोने के बाद अब पुलिस के जवानों को अपनी बलि देना पड़े, यह जरूरत नहीं है। अपराधी को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़े वो करें।